और चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। इस चंदा धंधा मॉडल की बात मैंने अपने पहले भी कई वीडियोस में करी है, लेकिन अब हमारे पास इसका सीधे तौर पर सबूत मौजूद है। 2017 की बात है जब मोदी सरकार ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी और इसे एक चंदा लेने का जरिया बनाया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली टुडे अनाउंस्ड द कंटूर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। खास बात ये कि इस स्कीम में सारी चीज करी जाती जनता से छुपाकर। कौन सी कंपनियां किन पार्टियों को कितना पैसा देंगी इसका कुछ नहीं पता चलना था हमें। जो लोग इस खबर को उस वक्त फॉलो कर रहे थे वो पहले ही समझ गए थे कि यहाँ एक बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। आज से 7 साल पहले मैंने भी ये वीडियो बनाया था और खुलकर बोला था। 22 मार्च 2017, इस दिन से करप्शन लीगल हो चुका है इंडिया में। कंपनी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है अपना पैसा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हम सबको धन्यवाद करना चाहिए कि 7 साल बाद इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया और ये जो सारे घोटाले इन 7 सालों में हुए अब ये बाहर आ रहे हैं, हमें पता लग पा रहे हैं। हाल ही में हुई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इन्होंने कहा कि टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ रुपए की बेची गई, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ की मिली, तो बाकी 14,000 करोड़ की बॉन्ड्स किसके पास गए? भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? इनके सामने एक टीवी न्यूज एंकर भी बैठे थे जो हाथी की खिचड़ी खाकर बैठे हुए थे। या तो ये भूल गए या फिर हिम्मत नहीं हुई इनकी अमित शाह को फैक्ट चेक करने की, क्योंकि एज पर ECI डेटा टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ की नहीं बल्कि 12,700 करोड़ की थी अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 के बीच में जो इन कैश करी गई। इस 12,000 करोड़ में से बीजेपी के पास 6,000 करोड़ की बॉन्ड्स गई थी, जो कि 47.5% होता है। इसी समय के बीच जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी वो थी तृणमूल कांग्रेस, जिन्हें 1,600 करोड़ की बॉन्ड्स मिली, यानी 12.6%। थर्ड नंबर पर कांग्रेस 1,400 करोड़ के साथ, जो कि 11.1% होता है, लेकिन आगे की लिस्ट भी मैं आपको गिना देता हूँ। चौथे नंबर पर BRS थी 1,200 करोड़ के साथ, पांचवे पर BJD 700 करोड़ के साथ, छठे पर DMK 600 करोड़, उसके बाद YSR 300 करोड़, TDP 200 करोड़, शिवसेना 150 करोड़ और बाकी जो पार्टीज थी RJD, AAP, JDS, SKM, NCP इन सब को 30 से लेकर 70 करोड़ के बीच में चंदा मिला। इस लिस्ट को देखने के बाद कई बीजेपी पॉलिटिशियंस और गोदी इन्फ्लुएंसर्स बहाना मारते हैं कि बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, 300 से ज्यादा MPs हैं, इतने सारे MLAs हैं, हजारों पार्टी वर्कर्स हैं, तो उन्हें ज्यादा चंदा मिल रहा है तो जस्टिफाइड है ना। और अगर हम चंदा कलेक्टेड पर MP की रेशियो निकालेंगे तो बीजेपी की ये रेशियो बाकी पार्टियों से कम निकलती है। इसका मतलब बीजेपी उतनी बुरी नहीं है जितनी और पार्टियां हैं। कोई सेंस है इस बात की? जैसा मैंने आपको पहले बताया, स्कैम यहाँ पर है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। लेकिन अपने आप में सिर्फ चंदा देना या चंदा लेना ये कोई स्कैम नहीं है। डोनेट तो कोई भी कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन अगर डोनेशन के बदले उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जनता के टैक्स का पैसा उन्हें दिया जाता है और जो कंपनीज डोनेशन नहीं देती उन्हें ईडी का फंदा दिया जाता है, यह है असली घोटालों का भंडार। अब कल को सोचो विजय माल्या या नीरव मोदी ये कहने लगे कि भाई हमारी तो इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी है, इतने ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, इसलिए हमने इतने सारे रुपए लूट लिए। पर एम्प्लॉय लूट की कैलकुलेशन करो तो हम इतने बड़े भी चोर नहीं है। और लोगों की ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि विजय माल्या ने इतने करोड़ों रुपए क्यों कमाए, पैसे कमाना कुछ गलत चीज नहीं है। ऑब्जेक्शन ये है कि जनता का पैसा लूट कर क्यों पैसे कमाए। इसी तरीके से दिक्कत किसी को इस बात से नहीं है कि बीजेपी ने चंदा क्यों लिया, दिक्कत इस बात से है कि चंदा लेने के लिए यहाँ एक बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया, डेमोक्रेसी की धजियां उड़ाई और जनता का पैसा लूटा। अमित शाह ने जो खुलेआम झूठ बोला था वही झूठ बीजेपी पॉलिटिशियन RP सिंह ने भी दोहराया था। कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड आए, जिसमें से 6,000 करोड़ भाजपा के पास और 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष के पास गए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और ये ANI, दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, इन सब ने इसी झूठ को बिना चेक किए पब्लिश भी कर दिया। झूठ पकड़ना तो छोड़ो, इंडिया टुडे वालों ने तो हेडलाइन भी डाल दी, अमित शाह ब्लास्ट्स ऑपोजिशन। और फिर ये लोग रोना रोते हैं कि हमें गोदी मीडिया क्यों बुलाते हो, इसलिए बुलाते हैं। घोटालों की डिटेल्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम कैसे करती थी। एक इलेक्टोरल बॉन्ड को आप बेसिकली समझ सकते हो दोस्तों एक कूपन की तरह। कंपनी बैंक को जाकर पैसा देती थी और ये कूपन खरीदती थी, और ये कूपन जाकर पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया जाता था और पॉलिटिकल पार्टीज उन कूपन्स को रिडीम कर सकती थी और जो बैंक में रखा पैसा था उसे एक्सेस कर सकती थी। रूल ये बनाया गया था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी इलेक्टोरल बॉन्ड को इन कैश नहीं करती, कूपन को जाकर रिडीम नहीं करती,
तो 15 दिन के अंदर अंदर जो भी अनक्लेम्ड बॉन्ड का पैसा है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम निकली तो एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने सोचा और गहराई से जांच करनी चाहिए इस चीज में, और टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खुद खरीदी। ये जर्नलिस्ट थी पूनम अग्रवाल। ये SBI की पार्लियामेंट ब्रांच पर गई और 5 अप्रैल और 9 अप्रैल 2018 को इन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। दोनों की कीमत 1000 रुपए ईच थी। उस वक्त ये द क्विंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी। इन्होंने जो वीडियो अपलोड किया अपने चैनल पर, उस पर जाकर देख सकते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर खरीदने वाले का नाम नहीं लिखा था, ना ही कोई और डिटेल लिखी थी कि ये इसे किसने खरीदा है। दिखने में ये दोनों बॉन्ड जो इन्होंने खरीदी थी एग्जैक्टली सेम लग रही थी। कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय डेट के, जो कि लाल रंग में यहाँ पर 5 अप्रैल लिखा है, यहाँ पर 9 अप्रैल लिखा हुआ है। इस 2 चीज के अलावा पूरे बॉन्ड में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब इन्होंने एक बॉन्ड को फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा तो पता चला कि हर बॉन्ड में एक सीक्रेट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है। ये सीक्रेट नंबर सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे दिखता है। ये एक बड़ी शॉकिंग चीज थी, क्योंकि इस खुलासे से मोदी सरकार का एक और झूठ पकड़ा गया। सरकार अभी तक कहती आ रही थी कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदेगा हम उसकी आइडेंटिटी छुपा कर रखेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा कि किसने ये बॉन्ड खरीदी है। जब ये खुलासा किया गया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ओपनली मानना पड़ा कि यहाँ एक सीक्रेट यूनिक नंबर है, लेकिन फिर ये कहने